एक तो पूरी दुनिया में तुमने कोरोना वायरस को फैलाया, अगर सही समय पे तुमने एक्शन ले ली होती तो इतना बवाल नहीं होता। और अब जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, तुम अपने डिफेंस पे खर्चा बढ़ा रहे हो, सिक्योरिटी लॉ के नाम पर हांगकांग पे शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हो और उसी प्रकार ताइवान पे अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो। हमारा बच्चा, हमारा पाकिस्तान, उसको बहला फुसला कर हमारे ही खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा तो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हो, हमारे बॉर्डर के अंदर एनक्रोचमेंट कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? तो दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल पुराणिक और आप देख रहे हैं स्वप्न स्टडीज। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चाइना बार बार इंडिया में इस तरह से एनक्रोचमेंट क्यों कर रहा है, इसके कारण क्या है, चाइना के पेट में ऐसा कौन सा कब्ज है जो उसको ऐसी हरकत करने पे मजबूर करता है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे किस प्रकार टेंशन बढ़ रहा है, और आज के वीडियो में हम चाइना के इन हरकतों के पीछे का कारण जानने वाले हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मसले पर यूएसए का क्या स्टैंड है, चीन का क्या स्टैंड है और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होता है ये खुद उसको ही पता नहीं होता, फिर भी उसके बारे में मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो को शुरू कर सके। चीन इस प्रकार भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा क्यों करना चाहता है, इसके बारे में अलग अलग कहानियां मार्केट में चल रही है। पिछले साल भारत ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर के स्टेट को विभाजित करके लद्दाख नाम से एक अलग से यूनियन टेरिटरी की स्थापना की। इससे चीन को बहुत बड़ा गुस्सा आया और वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी गया। भारत ने यह कहकर उसकी हवा निकाल दी कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और इससे भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी लिंक रोड को कंप्लीट कर लिया है और भारत की यह पहल चीन की बहुत बड़ी तोंद के नीचे खुजली करने जैसी हो गई है। एक धड़ा यह भी मानता है कि भारत हांगकांग चीन मसले में हांगकांग का साथ दे रहा है और इस वजह से चीन के पेट में गहरा कब्ज हो रखा है। कुछ दिनों पहले ताइवान ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाकर चीन के खिलाफ ललकार लगाई थी। इस कोरोना के संकट को किस प्रकार चीन ने दबाए रखा, इस बारे में उसने WHO में ललकार लगाई और उस मामले में भी भारत ने ताइवान का साथ दिया। इस वजह से चीन का ईगो बर्बाद हो गया और इसीलिए वो शायद इस प्रकार अपनी भड़ास को निकाल रहा है। कुछ दिनों पहले चीन की आर्मी ने डोकलाम में इसी प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना की दहाड़ से उन्हें वापस लौटना पड़ा। चीन का ये जख्म अभी पूरी तरीके से भरा भी नहीं था कि अब वो फिर से पीटने के लिए आ गया है। चीन जब भी इस प्रकार की हरकत करता है तो भारत अंतरराष्ट्रीय लेवल पर साइलेंट डिप्लोमेसी की मदद से चीन पर दबाव बनाता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की डूम टेढ़ी तो टेढ़ी ही, उसे सीधा करने के लिए लोहे के पाइप में डालो। तो पता चला कुछ दिनों बाद पाइप टेढ़ा हो गया लेकिन डूम कुछ सीधी नहीं हुई। पीपल्स लिबरेशन की वार्षिक बैठक में शी जिनपिंग ने उनकी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह तो दे दी, लेकिन भारत का सीधा सीधा नाम लेने की हिम्मत ना जिनपिंग की हुई ना उसके डिफेंस मिनिस्टर की हुई। ये सब देखकर हमारे मोदी जी एक्शन में आए और हमारे सारे टॉप अधिकारियों की बैठक ले ली। अरे मोदी जी, आप टेंशन ना लीजिए, कम से कम 2024 तक कुछ नहीं होने वाला। इंडिया चाइना बॉर्डर पे जब गर्माहट बढ़ी तो हमारे ट्रम्प चीचा भी मीडिएशन करने उतारू हो गए। अरे भाई, मुझे एक बात बता, कुछ दिनों पहले तो तुझे ये भी पता नहीं था कि इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं, क्यों चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है? पुलित्जर प्राइज विनर फिलिप रूकर और कैरोल लियोनिंग ने किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने मोदी और ट्रम्प के मुलाकात का एक किस्सा लिखा है। मोदी जी उस समय इतना हैरान हो गए कि इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बात भी ट्रम्प को पता नहीं थी। चलो, इतने महीने में ट्रम्प को ज्योग्राफी की समझ तो आ गई। ट्रम्प साहब, क्या आप भी चुपके चुपके लॉकडाउन के चलते ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो? और ट्रम्प चीचा, आपका मीडिएशन का तरीका हमने देखा है। आपने जब भी मीडिएशन करने की कोशिश की है आपने रायता ही फैलाया है। जापान साउथ कोरिया हो, इसराइल पैलेस्टाइन हो, आपने जब भी मीडिएशन किया है परिस्थिति को और बिगाड़ दिया है। आप तो मीडिएशन करके चले जाते हैं और जिनके बीच आप मेडिसिन करने जाते हो उन्हीं को बॉर्डर पे लाशें उठानी पड़ती है। इस पूरे मामले में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक सूझबूझ है ये तराशी हुई लग रही है। जब अमेरिका ने मेडिएशन का ऑफर दिया तो भारत ने यह कहकर बात टाल दी
कि इंडिया और चाइना इस पूरे मसले को शांति से सुलझाने में व्यस्त है। चाइना ने अपना स्टैंड उसके ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के जरिए पेश किया है। उस आर्टिकल में चाइना ने बहुत समझदारी की बातें की है। उनका मानना यह है कि चाइना और इंडिया इस तरह झगड़ते रहे तो इसका डायरेक्ट फायदा यूएसए को होगा, क्योंकि अगर दोनों की लड़ाई होती रही तो साउथ एशिया में इंटरफेयर करने का एक और बहाना यूएसए को मिल जाएगा। भाई अगर तुम इतने समझदार हो तो पहले ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई, फोकट में इतना बवाल कर दिया। इंडिया वालों के लिए एंटरटेनमेंट के जरिए बहुत सारे है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है और तुम्हारा वो टिकटॉक भी है, क्यों फोकट में सबका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। अब आते हैं पाकिस्तान के इमरान खान के पास। इन भाई साहब की तो कुछ और ही नौटंकी चल रही है। भाई साहब कहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों में एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को अपना रहा है। अरे वाह, ये क्या बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी तो आपकी फितरत है, आप ही ना तो आपके कुल्ले पिछले 70 सालों से पीओके में टिका रखे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी से यह बयान आया है कि भारत रिस्की मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके पूरे रीजन की शांति बिगाड़ना चाह रहा है और पाकिस्तान बड़े अच्छी तरीके से समझदारी से बर्ताव कर रहा है। उनका यह इशारा एलएसी के अंदर जो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसके तरफ है, जबकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि पूरे रीजन की शांति पिछले 70 सालों से कौन भंग कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी चाइना और पाकिस्तान की छोटी छोटी मगर पागल जैसी बातें। आपका इस पूरे मसले पे क्या स्टैंड है ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या बुरा भी लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पूरे मसले पे जो भी अपडेट मैं लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अपने घर में रहिए, कोरोना से बच के रहिए, अपनी और अपने परिवार की केयर कीजिए। थैंक यू।